There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. इस हफ्ते हमें एक चौंका देने वाली तस्वीर नजर आई. ये पिक्चर देख के हमें ये थंबनेल याद आया. दीपिका की बात करण जौहर तक आंच. कितने चंचल हैं हमारे अमीश जी. This is Amishan 2020. करण जौहर पे ड्रग्स का छापा पड़ेगा. देश को चौंका देने वाली खबर. छी छी ये गंदा बॉलीवुड. This is Amish in 2022. ए करण जी, एक सेल्फी हो जाए. एक. As a wise man once said. ये दुनिया कितनी नकली है. So नकली. I'll truly not be surprised if the likes of Amish Devgan line up for selfies if and when Rahul Gandhi ever manages to become the Prime Minister of India. ये लोग सबसे पहले U-turn मारेंगे इतनी गाली देने के बाद, क्योंकि TRP के लिए कुछ भी करेगा. After Hindu-Muslim, Mandir-Masjid, Jai Modi, Jai Yogi, Rahul in a pub, there's a new formula for anchors to get those precious eyeballs. As Mahatma Gandhi once said, jo dhande ke liye sahi hai, wo sahi hai, jo galat, wo galat. This is anyway not news, yeah. This is not important. Also, don't believe everything you read on the internet or hear on the internet. हाँ ना के बीच सुबह 11 बजे शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा. ये बुलडोजर की तस्वीरें हैं जो कि अब शाहीन बाग इलाके में चलेगा. आप देख सकते हैं कि ये कार्रवाई अब से थोड़ी देर में अब जो शुरू होने वाली थी, वो बुलडोजर अब यहाँ पर शाहीन बाग इलाके में पहुंच चुका है. जहांगीरपुरी के बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर. अगर आज तक का रिपोर्टर बुलडोजर पे चढ़ के शाहीन बाग में एंट्री नहीं मारता तो हमें पता ही नहीं चलता कि बुलडोजर शाहीन बाग पहुंच गए हैं. सीरियसली, do the owners of this channel actually watch it? All of Monday morning was spent with top news anchors across top news channels going ready, steady, bulldoze. यही वो दुकानें हैं जहां पर बुलडोजर चलना है. यहां पर जब बुलडोजर चलेगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा. किसी को नहीं बख्शेगा, सबका बदला लेगा रे तेरा जेसीबी. भाई साहब, ये तोड़ने वाले आप लोग ना? Republic had a full-fledged roundtable conference on this. था आपने जो देखा, बताइए उस वक्त क्या हुआ, क्या तैयारी है, क्या करने वाले, इसको गिराने वाले. अच्छा, इसको गिराएंगे? किसको गिराएंगे? कब गिराएंगे? ये बुलडोजर है और यहाँ पर चिन्हित की गई हुई जगह पर ही वो चलेगा. ओ हो MCD, कब चलाएंगे बता दीजिए. दूसरी तरफ ये बुलडोजर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है. वेट फॉर इट, इट्स गोना हैपन, जस्ट वेट फॉर इट, पेशेंस. बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है. कौन से घर पर, कौन से कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा. जस्ट वेट, बुलडोजर चलने वाले हैं. होल्ड ऑन, बुलडोजर आगे जा रहा है, बुलडोजर आगे जा रहा है. आइए मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि आगे कहाँ जा रहा है. जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं भैया, आगे जा रहे हैं. आगे है अतिक्रमण. हाँ, कहना है आगे अतिक्रमण है और बुलडोजर लेकर ये जा रहे हैं आगे की तरफ. जा रहे हैं मोदी जी. Oh my God. तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ. So much hangama over demolishing a temporary scaffolding. Now the STMC mayor Mukesh Suryan said that the drive was only against the encroachment on roads like extended temporary structures. People in the area have asked for 3 to 4 days to remove all encroachments. We have given them time. If they don't remove it, a fresh drive will be held. Some locals did try to explain this and drive some sense into Republic. यहाँ पे पेंटिंग का रेनोवेशन के लिए वो लगा हुआ है, नॉर्मल है, तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया की बात चल रही है. बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है. नहीं कि जैसे अभी ये बाहर की तरफ पेंटिंग करने के लिए, रेनोवेशन के लिए उन्होंने लगाया है, इसको हटाने की बात चल रही है, नॉर्मल प्रक्रिया. आप कहीं भी रेनोवेशन होगा तो, बट ऑब्वियसली बात है कि रोड साइड में ही लोग अपने घर के बाहर में या दुकानों के बाहर में. शाहीन बाग के एक सज्जन का रिएक्शन बेस्ट था. नहीं नहीं भाई साहब, लेकिन सवाल एक ये है. नहीं नहीं भाई साहब, लेकिन सवाल एक ये है. सलोनी हमारे साथ मौजूद है, सलोनी के पास. परफेक्ट. ये सब ड्रामा देख के मुझे एक पुरानी गजल याद आ गई. तुम इतना जो चिल्ला रहे हो एंकर जी, क्या सच है जो छुपा रहे हो. On Monday, when all news channels were busy breathlessly pursuing a lone bulldozer in Shaheen Bagh, the value of the Indian rupee plummeted to its lowest level ever against the US dollar.
So, while rupee was predicted to fall even further, TV news media were bulldozing over your sensibilities as a thinking citizen. लेकिन बुलडोजर ने अपना काम पूरा नहीं करा, सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। बुलडोजर इतनी उम्मीदों से गया था, कहीं चल ही नहीं पाया। सवाल तो ये है ना कि बुलडोजर तो चल ही नहीं पाया। किसकी उम्मीद अंजना जी, आपकी या जेसीबी की? बुलडोजर गया, टच किया जैसे कहते हैं, छू कर फिर वहां से निकल गया, आगे परेड करता हुआ आगे से वापस चला गया। वन ऑफ द मोस्ट डेकेडेंट एम्पायर्स इन हिस्ट्री, the ancient Roman Empire kept its public distracted through macabre and morbid blood sport in amphitheaters with ringmasters serving the empire, whipping the crowds into a gleeful sadistic frenzy. Modern 21st century in India has TV news channels where anchors show you bulldozers about to destroy structures as some form of entertainment to keep you distracted. So what if they have no facts or no specifics? If you look at their primetime discussions, rarely would they have ever spoken or discussed civic issues, bad urban planning in cities. क्योंकि वो तो एजेंडा है ही नहीं। एजेंडा बस ये फ्री बिरयानी शाहीन बाग टाइप्स को सबक सिखाना है। शाहीन बाग में ऐसा क्या है कि सबकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लोग नस काटने को तैयार हो जाते हैं, लोग बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं, बुलडोजर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये शाहीन बाग में ऐसा क्या है वारिस पठान जी? Don't make a joke of the laws. Is शाहीन बाग an island unto itself, सिद्धार्थ शर्मा? You want to win an election, so you will give the impression that the laws of the country, the jurisdiction of the laws of the country do not apply to शाहीन बाग. Why? How many such islands will you create in this country? शाहीन बाग वही इलाका है जो सीए विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। महीनों तक यहां अवैध तरीके से सड़क जाम करके रखी गई और मोदी विरोधियों को यहां खुला मंच सड़क बंद करके दिया गया। शाहीन बाग बिकमिंग ए रिपब्लिक अनटू इट्स सेल्फ, दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी आर पोजिंग। इट वाज अ फोटो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू द नेशनल मीडिया टू कंडक्ट द डिबेट्स इन द इवनिंग टू डिफेम शाहीन बाग। That was the only reason that we won the election. Nothing more. हमारे पास तो और कुछ है नहीं। Yes, exactly that, Navika. तुम्हारे पास सच में और कुछ नहीं है। You got that right. Full marks for self-awareness. Best, of course, was dearest Sudhir. दिल्ली के शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, वो देखकर आप सबको डरने की जरूरत है। और शायद देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब बुलडोजरों को किसी इलाके से इस तरह खाली हाथ लौटना पड़ा। ये एक बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि आप जिस भी शहर में आज रहते होंगे वहां पर भी शाहीन बाग जैसा कोई ना कोई इलाका जरूर होगा जहां पुलिस भी जा नहीं सकती। और अब देश में ऐसे इलाकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। दिस इज सुधीर्स आइडिया ऑफ पुटिंग चिल्ड्रन टू स्लीप। सो जाओ वरना शाहीन बाग वाली डरावनी औरतें आ जाएंगी। एटलीस्ट मदर्स हु गिव देयर किड्स गब्बर की धमकी केयर अबाउट देयर किड्स। सुधीर डजंट गिव टू हूट्स अबाउट यू एज अ व्यूअर। ये इतनी जल्दी यू टर्न मारते हैं कि अमीश और करण की सेल्फी भी शर्मा जाए। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक नए हलफनामे में बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें उसने कहा है कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी इस कानून का खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस की सरकारों में इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। समझने वाली बात यह है कि आजादी के बाद देश की किसी भी सरकार ने इस कानून को समाप्त करने की कोशिश नहीं। राजद्रोह कितना गंदा कानून है ये, किसी भी सरकार ने हटाने की कोशिश क्यों नहीं करी अब तक? क्यों नहीं सोचा ऐसा कुछ? एटलीस्ट सुधीर सोचा था, अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था बैक इन 2019, बट यू वर्नट वेरी हैप्पी देन। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह वाला जो कानून है 124A, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी देशद्रोह की जिन धाराओं के अंतर्गत भारत के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाती है, उस धारा को ही खत्म करने का वादा इसमें किया गया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह को और आसान बना देगी। अब भारत में देशद्रोह करना और आसान हो जाएगा। क्लासिक सुधीर, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में राजद्रोह हटाने की बात करी है। वेरी बैड, वेरी बैड। मोदी गवर्नमेंट ने राजद्रोह हटाने के बारे में बस सोचा है। वेरी गुड, वेरी गुड।
Sudhir was not the only one hailing dear leader for such a landmark decision to stand with free speech and liberal ideals. What happens then to the entire India has become intolerant? Is this that awkward moment where the man who's supposed to be the enemy of free speech actually decides to do away with the law that is the biggest curb on free speech? Modi and his government have been forced by journalists, among other people, to review the sedition laws. The man didn't just wake up one day and decide on his own to do away with sedition. But let Padmaja stew in her ignorance for a bit more. What does he need to save face from? It's not as if there is some great opposition marches happening on the streets demanding repeal of sedition. There are no great marches on sedition anywhere. I can't see them. Sure. But there were journalists who questioned the misuse of sedition laws while you were busy doing whatever it is that you do on primetime. Kishore Chandra Vankhem and Kanhaiya Lal Shukla, journalists from Manipur and Chhattisgarh, led the challenge against sedition because every time they commented, criticized, made fun of governments in state or center, they were charged with sedition in various FIRs. It's thanks to these journalists, whose petitions the Supreme Court has agreed to hear out, that there's even a debate on sedition for Padmaja to host. The Modi government's first response to the plea was, bhai, ye isolated incidents ki wajah se hum law thodi na repeal karega. Then, after a while, there was a change in gear and government said, hum sochega, sedition ko remove karne ka. And anchors were like, yee, Modi ji, liberal hero. Narendra Modi aaj wo kaam kar rahe hain jo Gandhi ji karna chahte the, Congress na kar saki 70 saal mein. Gandhi ji ka wo kaam, jin logon ne unka sarnem udhar par lekar apni siyasat chamkali Gandhi, Gandhi, Gandhi karke. वो ना कर सके. कर कौन रहा है जिन्होंने अपना सरनेम मोदी ही रखा, गांधी नहीं लगाया, वो आज गांधी जी का काम कर रहा है. बिग बिग हिस्टोरिक इंटरवेंशन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर. द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन एफिडेविट व्हिच कैरीड द नेम एंड द अश्योरेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अग्रीड विद द गवर्नमेंट्स पोजीशन. Now, it's a very welcome step by the Modi government to rethink sedition, and it's very true that governments across states and centers, including BJP, Congress and TMC, have misused the sedition law. Journalists have suffered the most because of this, and this discussion should have journalists at the center of it. But anchors like Padmaja will take the silliest troll argument from Twitter, turn it into a political cockfight, and then present it to you as a news discussion. Remember, kids, when life makes you a journalist, be a Kishore or be a Kanhaiya. Don't be a Padmaja. Stand up and show a spine. Bet they don't teach you that at the Times School of Journalism. That's a real thing, which includes training by in-house media professionals. No, thank you. Speaking of journalism, a journalist from Mirzapur in Uttar Pradesh passed away last week. Pawan Jaiswal was suffering from cancer and he didn't have enough to pay for his treatment. Zindagi mein humne imandari ki patrakarita ki hai. नमक रोटी बच्चों को खिलाई जा रही थी, उसका खुलासा हमने किया, लेकिन अब हमारी उम्मीद छूट रही है. इस वक्त हमें पैसे की आवश्यकता है इलाज के लिए. हम कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया मदद करें. पवन कुंड सर्वाइव द फाइट अगेंस्ट कैंसर. इन हिज करियर ही रिपोर्टेड ऑन हाउ चिल्ड्रन वर बीइंग सर्व्ड विद सॉल्ट एंड रोटी एज मिड डे मील इन अ स्कूल इन उत्तर प्रदेश. इस हिमाकत के लिए पवन को मिला FIR. पवन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, but there's one thing we should think of. जिंदगी में हमने ईमानदारी की पत्रकारिता की है. What does a life of honest journalism away from the flashy studio lights of Delhi and Mumbai studios really mean? पत्रकारों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय है, और आर्थिक मदद की बात कर लीजिए, मतलब कि शोषण की कहानियां पत्रकारों की बड़ी दारुण और दारुण है. अगर आप सुनेंगे तो आपको आप सोचेंगे कि अरे ये जर्नलिस्ट आखिर पत्रकारिता क्यों कर रहा है. ये इस काम को मतलब कोई ड्यूटी की तरह नहीं करते थे. ये काम इनका मतलब 24 आवर का था. कभी किसी का 12 बजे फोन आ जाता था, जिस तरीके से वो 12 बजे 2 बजे किसी भी टाइम निकल जाते थे. मैं आपको बताऊं कि हर अखबार ने अपने हर क्षेत्र में आंचलिक पत्रकारों को तैनात कर रखा है, लेकिन उसको देता क्या है, फूटी कौड़ी नहीं देता है. अभी इनका खाना खाने बैठे थे तभी फोन आ गया. जो पिछला बार अभी विवादित प्रकरण चला था इनका नमक रोटी का, ये दोपहर में खाना खा रहे थे तभी फोन आया.
तो इस तरीके का प्रकरण वो सुने, मतलब अक्सर करके ये कभी भी अगर कोई फोन कर देता था बस गाड़ी उठा के चल देते थे। इनको एक विजिटिंग कार्ड बनवाने तक का इजाजत नहीं है इन आंचलिक पत्रकारों को, इनको कोई पहचान पत्र तक नहीं दिया जाता, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता इनके पास कि वो बता सके कि फला व्यक्ति फला हमारे अखबार से जुड़ा है, हमारे लिए काम करता है। 1000-2000 का काम कर भी लेता था कहीं से, लेकिन कोई अच्छा न्यूज मिल जाता था तो, लेकिन प्रॉपर नहीं था जो कि मंथली इनकम हो या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक पत्नी है जिसके गहने भी इलाज में बिक चुके हैं, उसकी पत्नी की, उसकी माँ की, मतलब कि कुछ भी नहीं रह गया है। उनको काफी धमकी मिलता था कि सर एक्सीडेंट बहुत होता है रोड पे, किसी दिन ट्रक के नीचे आ जाओगे आप, इस तरीके से। कोई बोलता था कि लाखों रुपए खर्च करके बर्बाद कर देंगे, तो बोला हमारे पास बर्बाद होने के लिए है क्या, तुम बर्बाद कर दोगे। My colleagues Tanishka Sodhi and Jude Weston traveled to Uttar Pradesh this week to bring you a deep dive report on the life of Pawan and many journalists like him in Mirzapur. Do watch it, do read it, do share it, and most of all, do subscribe to News Laundry. It's because of your subscriptions that we can bring you stories of people like Pawan and many like him. Log on to newslaundry.com, click on the top right corner and pay to keep news free. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. Please do share our report on Pawan. There's a video report on it. There's a text report on it. Please share it, read it, and tell us what you think of it. And please subscribe to News Laundry. Aapke subscription se hi hum kaafi kuch kaam karte hain. Yahan pe shows banate hain, interviews karte hain, podcasts karte hain, ground reports karte hain. It's all dependent on subscriptions. So if you like News Laundry and you want us to keep doing the work we do, then please subscribe.